बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालों सारे भैन भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करदी हाँ अल्लाह ताला दे फजल और करम दे नाल सारे भैन भरा ठीक ठाक होंगे। इस दुआ दे नाल अज दी वीडियो शुरू करदी हाँ। वीडियो शुरू करने तो पहले साडी एक रिक्वेस्ट हुंदी आ, अगर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां इहनूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं भी जरूर दबिओ तां कि साडी आने वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहानूं बर वक्त मिलदा रहे। वीडियो शुरू करदे हाँ। अज अपने भैन भरावां नाल असीं शेयर करांगे अपनी दोपहर दी रूटीन। सब तो पहले तो चाय बनावांगे तो चाय पीने। चाय बना ली है तो मेहमानों हम चाय देने। भुख लगी हुई है, मैं रख नहीं, मैं चलो बिस्किट ना रख लेने। सही चीज बना सालन, सालन आज बहुत ही स्पेशल चीज बननी है। सही है। मोहित की खा रहे हैं? ना खोल लेना। कैसी चीज खोल लेना? है नहीं मैं मॉफ जीता ना मले ना। हम मेहमान आने चाहिए देने हैं तो गाले नाले गपशप करते हैं। तेरी पापा सारी खा गई। मेरे घर में खाना खा सारे चल गए। बहुत ज्यादा गंदा हो बात को खा दी बैग पा दी थी तेरी से सारी खा दी। अरे मुश्किल आ रहा है तेरा क्या का खा दी। मैं तो ले नहीं पापा को धुआं ला हाथ में छेती हाथ में दी बस काफी है। चलो को बैठ के खा के आया। गन्ने बड़े भाई कहना सी अभी गन्ने लेनिया तो डिग्गी जिन्ने आए ना उन्हें की दिते आज किस दिन गड्डी के चाय बना के पी ली है। नाले मैं रहना भी दी सारे ने चाय पी ली है। तो हूँ मैं बर्तन धोन तो लगी हाँ। तो फुफो जी ने दिता वा लसन प्या। बैठे बैठे तुम लसन गंढा करो तो नाले तुम हुक्का पियो। हुक्का भी फुफो जी ने ताज़ा तरके दिता है। तो जवेद मुर्गा पकड़ के लैके आए हैं तो मैनू कहते तू मेरे नाल मुर्गा जिबा करवा के लैके आ। मैं तो कह तुम कल ही कर लो, मैं बर्तन धो लव कर लूँगा कल। चलो मैं करवा दी बाद बर्तन धो ली फिर तंग होंगे। नहीं नहीं चलो मैं करवा दी हजे काफ़ी टाइम आ। तो फुफ जी उन्नी देर तक लसन गंढा बना देंगे तो उपर रख के मैं लसन गंढा उबलना तो बर्तन धो ली। चलो ठीक है मैं थोड़ा करवाई हाँ। छुरी ले ली है? चलो ठीक है मैं पानी लैके आनी हाँ। हाँ डोल च लैके आनी पानी। बर्तन भी धो लिया तो चारपाई के उपर सुखने रख दिते है ये खुशक हो जान। तो मुर्गा भी कर लिया वा तो हम मैं हांडी रख ली हाँ तो नाले होर काम भी कर ली। मुर्गा सिबा करके लिया दिता है अच्छी तरह तुम धो भी लिया तो हमें बोटियां बना लोगे? बोटियां तो मैं नहीं बना लिया तो मैं लिया वा मामू जी या तुम बना। मैं काम से थोड़ा जहा और
चलो सही बनवा लो। है लसन गंडा फुफो जी ने बनाता वा, हम मैं हांडी रख ली हांडी पा ली थोड़ा जहा पानी पा के इन्हों बॉयल कर लेनी है ताकि लसन दी कलियां अच्छी तरह गल जान। चुले जग भी जला ली है, अग पहले जल्दी पे सी और लकड़ियां मैं ला लिया। देसी मुर्गा शोरबे वाला, चलो ठीक है चूर के खा लियो। बिल्कुल लसन प्याज अच्छी तरह बॉयल हो गया, हुण इहदा मैं पेस्ट बना लैनी आ। पेस्ट मैं बना लिया है ते घी भी पा लिया वा, हुण अच्छी तरह इहनू फ्राई कर लैनी आ ते फिर मसाले पा लैनी आ। मेरा मतलब घी थोड़ी देर में भुन दे, घी हल्का जिहा फ्राई कर लिया लसन प्याज मसाले। थोड़ा जहा पानी का टिक्का लगा के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह भुज गए, हम मोच पा लेंगे। मैं आलू पावे? हाँ जी भाभी जी आलू पाए। चलो मैं आलू ला सामू नाल कट के तुम पा लेंगे। हाँ जी ठीक है, मैं खुद आलू बड़ा खाना ला। हाँ जी मैं हल्की पाई हूँ भाग बात कह रहे थे कोई दूध नहीं जमी जा रही है ना, फिर आलू पाने में रोटी कर लेंगे ना। आलू भी आओ नहीं गए, आलू भी अच्छा हो गए। आलू भाभी जी हुणी मैंने धो के देते गए, मैं कहा भाभी जी तुसीं आटा कढ लिआओ ते मैं आलू छिल के कट के विच पा दिंदी आ, नाल नाल मैं सालन दी बुनाई कर रही हाँ। देसी मुर्गे दी बुनाई अच्छी तरह कीती आ, ते हुण असीं विच आलू पा दिंदे आ, अच्छी तरह मिक्स करदे आ ते अच्छी तरह बुनाई होर करांगे। सालन दी मैं बुनाई कर रही हाँ, भाभी जी हुणी आटा छान रहे आ, भाभी जी हुणी आटा गुन लैण, मैं कहा मैं सालन दी बुनाई कर रही हाँ। मैं तो भाभी जी शायद पहले भी एवं कम कर रहा हूँ रल के नठ नठ के। नाले मैं शाम हो रही है, हाँ जी बच्चे आ छोटे छोटे, आपी भी आई है तो बच्चे तंग करते, बाजी बच्चे संभाल रही है, मोई जी बा समान ये आन और समान। अम्मी जी भी शाम रोटियां बनाते हैं तो भाभी ने बाबा एक तरह से पानी पा लिया, क्योंकि तेन पता भुखो जी भी सफत आटे की रोटी नहीं पका। हाँ जी नरम जिन्ना हो भाभी जी गई भी नरम आटे की रोटी पकाते हैं, भाजी उन्मा भी बाजी लेकिन नरम मेरे को नहीं बनती, मेरे को कड़ा बनती है बाजी दूध मैं दोनों ही मतलब कट्ठिया रोटी पकान लगे थे, तुम्हें भी सखत दी पकाते थे, मैं भी मैं आटा गुनना तो मैं भी सखत गुनना, आसी है भाभी ने गुनना तो भी सखत। भाजी उन्मा कित आई हो ना तो मैं कितने कहने तजोरी कितने गुंद पे तो उन्हें पतला गोंदना, मेरे को नहीं वो आटे की रोटी पकती नहीं पकती, जो भोरा गोल बननी है ता भी नहीं बनती। सुबह मैंने अम्मी कहना मैं रख रोटियां पका, मैं सेक दी, मैं कह नहीं अम्मी जी इतने हिसाब से भाभी ने आटा गुनिया तुम आप ही पकाओ। आटा गुज गया वा, सालन की बुनाई भी हो गई है, सालन की बुनाई अच्छी तरह हो गई है, हम अच्छे शोरबे वास्ते पानी पा दें। भाभी जी हरा धनिया वो लैके आनी है, मिक्स कर दी हैं तो पानी में अच्छी तरह पका लेंगे। ना लैके आनी है फिर रोटियां पका, आटा सैट हो जाए जेट कर। माशाल्लाह सालन पक गया, शोरबा अच्छी तरह पक गया। बस हम सालन कोलियां ते पिया वा, बिल्कुल नहीं जलाई हैगी, भी सालन पक गया वा। मैं पा लैनी हाँ हरा धनिया कटिया हुआ, कट के अच्छी तरह मैंने धो लिया है तो ये भी हांडी च पा लैनी है। यह सुक्का धनिया साबत इन्हें भी अच्छी तरह कुट लिया, ये भी पा लें, चिमचे नाल अच्छी तरह मिक्स कर लें। सालन साडा बिल्कुल तैयार हो गया, शाम का टाइम हो गया है, मगरब की अजान होने वाली है, नमाज पढ़ के
तो फिर रोटियां पकाने हैं। इस दे नाल ही इस वीडियो का एंड कर दी हूँ। ऐसी साड़ी दोपहर की रूटीन, खाना खा के बर्तन वगैरह धो के उस तो बाद चाय पीवांगे, थोड़ी बहुती सारे भैन भरा बैठ के गपशप करांगे तो फिर सो जाएंगे। अल्लाह ताला ख्याल रखे। अगर भैन भरावान साड़ी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले शेयर करो। इस दे नाल ही सानू इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।